तो देखिए, एक के बाद एक लगातार रूस की तरफ से हमले हो रहे हैं। यूक्रेन को बनाया जा रहा है निशाना और रूसी हमलों की वजह से गंभीर संकट में है यूक्रेन। एनर्जी सिस्टम को टारगेट किया जा रहा है अब रूस की तरफ से। यूक्रेन के पास नहीं बचे हैं डिफेंस सिस्टम, सिर्फ पैट्रियट सिस्टम के भरोसे जेलेंस्की हैं। ये यूक्रेन की सबसे बड़ी चिंता है इस वक्त की। तो देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, यूक्रेन के एनर्जी सिस्टम पर संकट मंडरा रहा है। रूस लगातार एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहा है। यूक्रेन के पास डिफेंस सिस्टम की भारी कमी है। यूक्रेन को अब सिर्फ पैट्रियट डिफेंस सिस्टम से ही उम्मीद बाकी है। अब तक ज्यादातर मिसाइलें पैट्रियट ने ही नाकाम की हैं। पैट्रियट सिस्टम पर यूक्रेन के सामने बड़ी चुनौती भी है। ये चैलेंज क्या है, पैट्रियट की एक मिसाइल का खर्च $4 मिलियन है। अमेरिका से अगर मदद नहीं मिली तो अंधेरे में डूब जाएगा यूक्रेन। ये भी वो कड़वी हकीकत है जिसे यूक्रेन दुनिया के सामने नहीं रखना चाहता। यानी हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार रशिया निशाना बना रहा है इसी मंशा के तहत कि यूक्रेन को अंधेरे में डुबाया जा सके। ऐसे में अमेरिका क्या उस लेवल पर आर्थिक मदद कर पाने में कामयाब होगा, यूक्रेन की उस हद तक मदद करेगा, यह बड़ा सवाल है, ताकि यूक्रेन को इस अंधेरे से बचाया जा सके। क्योंकि जंग तो लगातार चल रही है और रुकने के दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और आइए आपको बताते हैं यह पैट्रियट डिफेंस सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, क्योंकि पैट्रियट डिफेंस सिस्टम का हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। यह देखिए, रडार टारगेट को डिटेक्ट करता है, ईसीएस को डेटा भेजता है, और इंटरसेप्टर का अगर जिक्र किया जाए तो ईसीएस की कमांड पर यह चलता है, मैन्युअली या रिमोट से इसे फायर किया जाता है। लॉन्चिंग स्टेशन की डिटेल आप देखिए, 16 इंटरसेप्टर मिसाइलों से यह लैस है। टारगेट की लोकेशन यही रिसीव करता है। और इंगेजमेंट कंट्रोल स्टेशन कैसे काम करता है, रडार से आया डेटा ये लॉन्च स्टेशन को भेजता है। इस तरह से ये पूरा पैट्रियट डिफेंस सिस्टम जो कि इस वक्त यूक्रेन के बहुत काम आ रहा है वो काम करता है। उसकी पूरी डिटेल हमने आपको दिखाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की इस ग्राफिक्स के जरिए। और देखिए, इसराइल हमास की जंग से अरब सुलग रहा है और ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब है। उधर चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस बहुत तेजी से न्यूक्लियर जखीरा बढ़ा रहे हैं और नेटो से सीधी जंग की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन ने धरती के तीन हिस्सों पर महासंग्राम के बिसात बिछा दी है। June 18-19 को पुतिन ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया। और शासक किम जोंग उन के साथ 20 से ज्यादा सामरिक समझौते किए। इसके बाद एंटी अमेरिकी खेमे के देश वियतनाम के दौरे पर गए और हनोई में कई सामरिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अब रिपोर्ट यह है कि पुतिन अपने घनिष्ठ सहयोगी देश ईरान के दौरे पर जाने वाले हैं। राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद पुतिन का पहला तेहरान दौरा होगा। इस दौरे पर पुतिन तकनीक ट्रांसफर से जुड़े कई समझौते कर सकते हैं। ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। इस दौरे में ईरान को परमाणु तकनीक भी ट्रांसफर हो सकती है। अरब इस समय यूक्रेन से भी बड़ा वॉर फ्रंट बना हुआ है। कई देशों में टकराव के आसार हैं और जंग कभी भी शुरू हो सकती है।